चांदनी जी सर देख रहे हैं कि आप एमएस वर्ड यूज कर रही हैं और एमएस वर्ड में आपने यहाँ पे मोबाइल नंबर, फ्लाइट मोड और lcti@gmail.com लिखा है। जी सर, तो मुझे यहाँ पर मोबाइल नंबर के सामने कॉल लॉक का सिंबल, फ्लाइट मोड के सामने फ्लाइट का सिंबल और यहाँ पर जीमेल के सामने मैसेज का सिंबल चाहिए। जी सर, बना सकते हैं। कैसे सर? 2706 लिखेंगे। 2706 जी सर। हाँ, आर्ट के साथ एक्स प्रेस करेंगे, बन जाएगा। अच्छा, ये कॉल का आ गया, फ्लाइट का चाहिए हमें। सर फ्लाइट का 27। हाँ, 08 08 आर्ट के साथ एक्स। अच्छा, ये फ्लाइट का आ गया। जी सर। और यहाँ मुझे मैसेज का चाहिए। सर 27। हाँ, 09 और आर्ट के साथ एक्स। और ये मैसेज का आ गया। जी सर, बन जाएगा। परफेक्ट परफेक्ट, थैंक यू सर। चांदनी जी सर, अभी आप क्या सीख रही हैं? सर एमएस एक्सेल। एमएस एक्सेल सीख रही हैं और एमएस एक्सेल में आप यहाँ पे संख्या लिखी हैं 40 60 20 30। जी सर। और आप इसका एलसीएम शायद कैलकुलेट करने जा रही हैं। जी सर। तो कैसे इसका एलसीएम कैलकुलेट करेंगी, बताएंगी इसको? जी सर, पहले बराबर। अच्छा, बराबर का साइन देंगे। जी सर, फिर एलसीएम फार्मूला लगाएंगे। एलसीएम फार्मूला, सिर्फ ब्रैकेट ओपन करेंगे। हाँ, उसके बाद में इसको सिलेक्ट करेंगे। अच्छा, इन सभी का रेंज देंगे आप? जी सर। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करेंगे। हाँ, इंटर कर देंगे। और ये आपका एलसीएम आ गया 120। जी सर, परफेक्ट परफेक्ट। जी सर, अभी आप क्या सीख रही हैं? एमएस एक्सेल सीख रही हैं। और एमएस एक्सेल में आप यहाँ पर कुछ डाटाबेस एंट्री की है जिसमें एम्प्लॉय का नाम है, उसका आईडी नंबर है, एड्रेस है, सैलरी है। जी सर। तो क्या आप इसमें से चांदनी का आप सैलरी हमें खोज करके बता सकती हैं? जी सर। कैसे करेंगी? फार्मूला, इसके लिए फार्मूला है। जी सर। क्या नाम है फार्मूले का? बी लुकअप। बी लुकअप कॉल करेंगे। हाँ, फिर बी लुकअप करेंगे। अच्छा, बी लुकअप, उसके बाद फिर चांदनी का सिलेक्ट करेंगे। अच्छा, चांदनी को सिलेक्ट कर लेंगे। जी सर, कॉमा करेंगे। हाँ, फिर ये पूरा, अच्छा पूरा चांदनी का जो डेटाबेस है उसको सेलेक्ट कर लेंगे। जी सर। उसके बाद कॉमा करेंगे। हाँ, फिर सैलरी है 4 में। अच्छा, सैलरी का कॉलम संख्या लिखना है 4। जी सर। उसके बाद कॉमा करेंगे। हाँ, 0 करेंगे। हाँ, फिर ये ब्रेकेट बंद करेंगे। और ये सैलरी आ गया? जी सर, 35,000। जी चांदनी जी सर, अभी आप क्या सीख रही हैं? सर एमएस एक्सेल। एमएस एक्सेल सीख रही हैं और एमएस एक्सेल में आपने कुछ डाटा एंट्री यहाँ पर कर रखा है, इसमें प्रोडक्ट का नाम है, उसकी क्वांटिटी है, रेट है और अमाउंट उसका आ चुका है। जी सर। इसका आपको ग्रैंड टोटल करना है। जी सर, इसका बहुत आसान एंट्री है, कर सकते हैं। विदाउट फार्मूला इसका ग्रैंड टोटल करना है आपको, कैसे करेंगे? सर पहले इक्वल टू, सर आर्ट के साथ इक्वल टू प्रेस करेंगे। हाँ, उसके बाद में इंटर कर देंगे। अच्छा, और इसका ग्रैंड टोटल आ जाएगा? जी सर। परफेक्ट परफेक्ट, थैंक यू सर। रोनी जी सर, अभी आप क्या चला रही हो? एक्सेल। एक्सेल आप चला रही हैं? जी सर। एक्सेल में आपके यहाँ पर डेसिमल नंबर लिखे हैं जिसे आप इंटीजर में चेंज करना है आपको। जी, तो आप इसे इंटीजर में कैसे चेंज करेंगे, बताएंगे इसको? इसके लिए पहले हम कॉलम को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद में लिखेंगे बराबर INT, उसके बाद ब्रेकेट ओपन करेंगे। हाँ, उसके बाद यहाँ पर एड्रेस देंगे, एड्रेस। अच्छा, आपका ये नंबर A2 में लिखा है? जी सर। उसके बाद ब्रेकेट क्लोज। हाँ, और कंट्रोल के साथ एंटर करेंगे। अच्छा, कंट्रोल एंटर करेंगे और सभी डेसिमल नंबर इंटीजर नंबर में चेंज हो जाएंगे। जी सर, परफेक्ट परफेक्ट।